बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 2 स्क्वायर कपड़े, एक सीजर, पिंस कुछ, मेजर टेप और एक स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर कपड़े लिए हैं 9x9 के, लंबाई और चौड़ाई दोनों 9 है दोनों कपड़ों के। सबसे पहले हम ऊपरी हिस्से को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से पूरे ऊपरी हिस्से को फोल्ड कर देंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। मैंने दोनों कपड़ों को ऊपर से फोल्ड कर दिया है कुछ इस तरीके से और अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ऊपर से सिलाई लगा दी है। अब हम एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर रख देंगे। उसके बाद आधे इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो डेढ़ है वो सिलाई लगा देंगे, बीच में आधा गैप जो है उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद वापस नीचे सिलाई लगा देंगे। तरीके से इस तरफ भी हम डेढ़ का और उसके बाद आधे इंच का मार्क लगा देंगे, डेढ़ इंच की सिलाई लगाएंगे, फिर आधे इंच का गैप, फिर वापस सिलाई लगा देंगे। नीचे से भी ये पूरा हिस्सा हम सील कर देंगे। अब ऊपरी हिस्से को हम फोल्ड कर देंगे जहां तक हमने होल रखा है वहां तक, ऐसे फोल्ड करने के बाद हम पूरी तरफ सिलाई लगा देंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद बस सिलाई लगा दीजिए। बॉबिन की मदद से स्ट्रिंग को एक होल से लेकर दूसरे होल तक निकालना है जैसे वीडियो में दिखाया गया है। ये हमने एक स्ट्रिंग को एक होल से दूसरे होल से निकाल दिया। बिल्कुल ऐसे उसी तरीके से दूसरे स्ट्रिंग को भी सेफ्टी पिन की मदद से एक होल से दूसरे होल तक निकालना है। ये बहुत ही आसान है। आप कोई भी टाइप का स्ट्रिंग ले सकती हैं, बस वो मजबूत होना चाहिए। ये हो गया। फिर ऐसे स्ट्रिंग को खींचेंगे तो आपका बटुआ तैयार है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए ये रहा हमारा प्यारा सा बटुआ।